नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और अब 25 जुलाई हो गई है और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ या मेरी वीडियोस में आप सुनते हो कि जब हम आप लोगों को ऐसे पेड काउंसलिंग हेल्प करते हैं तो सिर्फ कोई भी कॉलेज दिलाना तो बहुत आसान है या सिंगल कॉलेज की काउंसलिंग करना बहुत आसान है, सिंगल स्टेट की। और इसलिए हमारे चार्जेस भी नॉमिनल 30,000 रुपये होते हैं। तो लोग कहते हैं सर अगर सिंगल स्टेट की काउंसलिंग ही करनी, और मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं जो भी अच्छे काउंसलर्स हैं, फिर आपको हमें काउंसलर की ज़रूरत क्या है। देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो फर्स्ट ईयर में या पहली बार जब आप कॉलेज ले रहे हैं तो देर आर टू मेनी स्मॉल कॉम्प्लिकेशंस। फॉर्म भरते समय ही किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप किसी कॉलम में अटक गए, कहीं अटक गए, वहाँ क्या राइट इन्फो ड्रॉप डाउन चूज़ करना है, सीट मिल गई उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, कॉलेज कब पहुँचना है, रिपोर्ट कैसे करना है, किस अमाउंट का DD एक्सेट्रा ले लेके जाना है। तो अब फिर से कोई कहेगा सर कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं, मैं कहता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन द फीस इज़ ऑलवेज टेकन इन प्रपोर्शन। तो जब आप एक MCC का कॉलेज ले रहे हो जहाँ पर सबसे सस्ता सिम्बोसिस या टाटा मनीपाल के बाद 1-1 करोड़ के पैकेज हैं, तो 1 करोड़ के रेशो में तो 30,000 रुपये कुछ भी नहीं है ना, इस ओनली 0.3%। तो सिमिलरली जब आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी डीलर को 1% यानी 1,00,000 रुपये देते हैं तो उसने भी क्या ही करा है आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में दिखाने के अलावा। तो बट फिर भी उस 30,000 में हम ये गाइड करते हैं कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, बुरा है, सुटेबल। तो कॉलेज सिलेक्शन से लेके कॉलेज रिपोर्टिंग तक, और फिर कल को अगर रिफंड आने में दिक्कत हो जाए, मेरे पास कई क्लाइंट्स हैं जिनके लास्ट ईयर तक रिफंड नहीं आया, जो लास्ट ईयर किसी और के क्लाइंट थे, कभी कभार अटक जाता है मामला। हर साल मुश्किल से 2% बच्चे ऐसे होते हैं, बट आप अगर उनमें हैं और आपके 2 लाख 1 लाख रुपये अटक गए हैं तो फॉलो अप करना कंसल्ट अथॉरिटीज़ के साथ, ये भी एक अच्छे काउंसलर का काम है। तो ये तो होता है वो 30,000 वाला मैटर। लेकिन जब हम वही जो हमारा सैमी प्रीमियम छोड़ा ऐसे 50,000 या 75,000 वाला पैकेज होता है जिसके अंदर हाउ डस स्ट्रेटजी बनती है, मैं आपको एग्जांपल आज इसलिए देना चाहता था कि हमारे तो मैंने जैसा मैंने कहा लिमिट ख़त्म हो जाएगी अगले 2-3 दिन में, पर आप खुद भी अगर काउंसलिंग कर रहे हैं या किसी काउंसलर से करवा रहे हैं तो उसको ज़रूर ये वीडियो दिखा के पूछिएगा कि भाई आप हमारे लिए इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, उसी बात की आपकी फ़ीस है। तो मैंने लाइव केस उठाया है, क्लाइंट का नाम बताने की जरूरत, 420 मार्क्स हैं बच्चे के। तो 420 मार्क्स का मतलब ये है कि उनकी जो रैंक है एग्जैक्ट मैं बताता हूँ आपको, वो है 3,40,000। अभी चेंज हो जाएगी तो शायद 3,35,000 हो जाए। दिल्ली के रहने वाले हैं और जो मेरा में हमेशा रहता है कि भाई ऑप्शन बहुत सारी हैं 3,50,000 पे, तो उन्होंने पहले ही उस चीज़ को बाहर कर दिया कि सर हमें दूर भेजना ही नहीं है, तो दैट मीन्स महाराष्ट्र कर्नाटका के MCC वाले कॉलेज आउट हो गए। ठीक है जी, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो ले दे कि हमारे पास ऑप्शन ही बची 4-5। हिमाचल के कॉलेज है पक्का मिल जाएगा हमें सोलन, लेकिन क्योंकि और कुछ मिल रहा है तो सर वो पहाड़ में भी नहीं भेजना, वो भी कट गया। राजस्थान 2 राउंड तक क्लोज स्टेट है, हमें इतना रिस्क नहीं लेना, कट गया। नंबर भी अच्छे हैं तो हम राजस्थान क्यों जाएं। तो ले दे के बचा हरियाणा, उत्तराखंड, UP। ठीक, एक्चुअली 3 स्टेट बचे। अब बात सिर्फ ये नहीं कि 3 स्टेट के फॉर्म भरने हैं, फिर मैं जो हमेशा कहता हूँ कि सर आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, तो उन्होंने बोला सर हम अमृता के लिए भी फाइन है। बहुत अच्छी बात है जी, हम वो कर सकते हैं। अब चूँकि आप अमृता के लिए भी फ़ाइन हो एंड जहाँ पर आएगा, तो उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो है कि सर हम अमृता के लिए भी तैयार हैं, हम KD मथुरा हमें पसंद आया UP का, ठीक है, हमको ऑफकोर्स जॉली ग्रांड ड्रीम हो गया, गुरु राम रहे हमको अच्छा लगेगा, और अगर कुछ नहीं मिला तो तीर्थंकर महावीर भी ओके है। तो ये तो हो गए 5-6 कॉलेज जो पसंद आ गए। अब ऑर्डर बताओ इन 5ों में, मैं कहता हूँ हमेशा आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, मैंने कहा अमृता, मैंने कहा सेकेंड चॉइस KD, ठीक है, दोनों ना मिले ऑफकोर्स जॉली ग्रांट, नंबर 3 जॉली ग्रांट, नंबर 4 गुरु राम राय, नंबर 5 सर एक्चुअली आदेश, नंबर 6 तीर्थंकर महावीर, नंबर 7 सर 6ों में खाली रह गए तो फिर तो कहीं भी कराई देना, उम्मीद बिल्कुल कम है। तो मैंने कहा 6ों में खाली रह गए तो क्या हम सोलन को रखना चाहेंगे अपना सुपर बैकअप या साधोपुर, उन्होंने कहा साधोपुर। 7 कॉलेज आ गए। अब आप ये देखो ये राउंड बाय राउंड ऐसे प्लान बनता है, और मैंने आपको नेचुरल पेपर दिखाया है क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी हैवी है, दिख रहा है, फिर मैं समझाता हूँ। चूँकि चॉइस वन अमृता है तो राउंड 1 हमने MCC का फॉर्म भरा सिर्फ अमृता के लिए, मिला नहीं मिला, मिल गया हम काउंसलिंग से बाहर हो गए। अब स्टेट काउंसलिंग आई, हमें पता है कि UP में फ्री एग्जिट नहीं है, तो जो भी कॉलेज मिलना है उसके सबसे ज़्यादा चांस राउंड 1 में मिलने के हैं, क्योंकि जिसको भी सीट मिलती है उसको 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बाहर हो जाएगा, चलो ये और देखते रहो। ठीक है, अब
अब समस्या ये आ गई कि भाई सर केडी मैंने भरा, मुझे नहीं मिला। हमने पैरेलली यूके का भी भर दिया है, जॉली ग्रांट एंड गुरु राम राय, और हरियाणा भी भर दिया सिर्फ आदेश, क्योंकि यूके और हरियाणा सब फ्री एग्जिट है। ठीक, अब इमेजिन करते हैं कि एमसीसी में उन्हें अमृता खाली था, 2 लाख हमारे सुरक्षित है, राउंड वन में हमें केडी मिल गया, केडी भी मिल गया और वहाँ से हमको जॉली ग्रांट भी मिल गया या गुरु राम राय मिल गया और आदेश ही मिल गया। अब चूँकि उनकी सेकेंड चॉइस केडी ही है, केडी चले जाएंगे, 2 लाख भी नहीं डूबेंगे यूपी वाले, और उत्तराखंड और हरियाणा फ्री एग्जिट है, पैसे वापस आ जाएंगे, डिपॉजिट का नुकसान हुआ जीरो। अब जैसे केडी नहीं मिला, जिसके मिलने के चांस वैसे नहीं है 420 नंबर पे, तो मैंने पहले समझा दिया, फिलहाल यूपी ख़त्म हो गया। फिर एमसीसी का राउंड 2 आया, फिर अमृता भर के देखा, नहीं मिला, मान के चल रहे हैं मिल जाएगा तो लेके बाहर हो जाएंगे। अब स्टेट्स का राउंड 2 आया, अब हमने यूपी नहीं भरा, ठीक है ना, और हमने भरा है उत्तराखंड का, फिर से जॉली ग्रांट फॉलोड बाई गुरु राम राय और सेम हरियाणा का आदेश। हाँ, इस मौके पर अगर हमें आदेश भी मिल गया और गुरु राम राय मिल गया तो हम कह सकते हैं कि हमारे आदेश का 1 लाख रुपए का डिपॉजिट का नुकसान हो गया, पर गुरु राम राय मिल गया तो बंदा वैसे बहुत खुश है। और फिर हम गुरु राम राय लेकर राउंड 3 में जॉली ग्रांट की अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। बट एक सिचुएशन और, सब अभी भी खाली रह गए, एमसीसी का राउंड 3 भरा, अमिता मिल गया, बाहर हुए, कोई भी डिपॉजिट खराब नहीं हुआ, फिर भी नहीं मिला। अब आ गया स्टेट राउंड 3, लेकिन अब स्टेट राउंड 3 से पहले मुझे ये पता है ना कि स्टेट्स राउंड 2 से कट ऑफ क्या जा रही है, और राउंड 3 से पहले सीट मैट्रिक्स आता है बची हुई सीटों का जो रिपोर्ट नहीं हुई थी, और राउंड 2 हर जगह फ्री एग्जिट नहीं है। तो अब अगर गुरु राम राय में 6 सीटें खाली है राउंड 3 में, या 12 सीटें खाली हैं, या 2 सीटें खाली हैं, और पिछले कट ऑफ से मैं कितना दूर हूँ, उससे पता चलता है कि मुझे राउंड 3 में क्या करना है। फिर से मैंने राउंड 3 में जॉलीगढ़ गुरु राम राय तो भरा ही भरा, उनकी तसल्ली के लिए बोला कि सर अब मैं तीर्थांकर महावीर डाल दूंगा, वहाँ से आदेश और सुपर बैकअप साधोपुर नीचे डाल दूंगा। ठीक है, वर्ष के सिनेरियो में ये है, अगर गुरु राम राय भी मिल गया, तीर्थांकर भी मिल गया, आदेश भी मिल गया या साधोपुर भी मिल गया, तो एक जगह जाओगे 2 डिपॉजिट खराब। ये है वर्ष केस, अगर स्टूडेंट है वो बहुत सुपर सेफ खेलना चाहता है। लेकिन अगर मुझे नज़र आ रहा है, फिर आप कहोगे सर तीर्थांकर महावीर राउंड 3 में पक्का क्यों मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यूपी में जो माइनॉरिटी कॉलेज है, खासकर तीर्थांकर, जिसमें कि जैन माइनॉरिटी की 75 सीटें हैं, पिछले 5 साल में 8 साल में उसमें से 60 सीटें राउंड 3 तक खाली रहती हैं, अब वो राउंड 3 में कन्वर्ट होकर बन जाती है जनरल सीटें, इसलिए हमने तीर्थांकर को राउंड 1 में या 2 में नहीं भरा था, क्योंकि अभी तो हमारी चॉइस गुरु राम राय है ना। अब राउंड 3 में भी अगर मैं गुरु राम राय से सिर्फ 4 नंबर नीचे था लास्ट काउंसलिंग में, और हमारे पास स्टेट मेरिट भी आती है कि मुझसे ऊपर कितने बच्चे हैं जो गुरु राम राय लेना चाह रहे थे, और 12 सीटें खाली हैं, तो अपने को पता है गुरु राम राय मिल जाएगा, तो अपन तीर्थांकर महावीर में नहीं डालेंगे, 2 लाख खराब नहीं करेंगे, सब गुरु राम राय ले लेंगे। जैसा मैंने कहा, कोई बंदा बैकअप लेना चाहता है, उसने तीर्थांकर महावीर भी ले लिया, 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। वो कहता है सर चलो तीर्थांकर महावीर नहीं, अब बैकअप के तौर पर हरियाणा भर देते हैं, साधोपुर भर दिया या आदेश भर दिया। तो इसको बोलते हैं राइट प्लानिंग, उसमें बहुत थॉट्स जाती हैं कि राउंड 2 की कट ऑफ क्या चल रही है, राउंड 3 से पहले सीट मैट्रिक्स कितना आया, आप कितना दूर थे लास्ट स्टूडेंट से लास्ट राउंड में, कुल कितने सीटें सीट मैट्रिक्स में राउंड 3 में आई है। सो दैट इज़ द प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सच बताऊँ दो ना, 50,000 तो हम बहुत कम लेते हैं, जो ऐसे 4 स्टेट कर रहे होते हैं, इस क्लाइंट ने भी 50,000 दिए, दिल से बोलूँगा हाँ 30,000, कुछ कुछ को ज़्यादा लगता है कि शायद 30 का काम हम 25 में कर सकते हैं, पर जैसा कि मैंने कहा कि कोई बंदा ये बोलता है ना मेरे को सर सिर्फ यूपी करनी है और मैं आपको बार बार तंग नहीं करूँगा, आप बस एक बार लिस्ट भेज दो चॉइस क्वालिटी की और फॉर्म भर देना जी, और रिपोर्टिंग में हेल्प कर देना, तो हम 30 के 25 भी कर देते हैं। लेकिन 30 दे के कोई 4 बार फ़ोन करता है, 12 बार डिसीजन करता है, तो मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारी कमिटमेंट है, तो इसलिए वो 30 लेना पड़ता है, बिकॉज अक्सर लोग ना बात सेम करते हैं, एंड माई टाइम इज़ माई मनी, राइट। 50,000 एक्चुअली हम कम लेते हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत, इतना दिमाग आपके लिए लगाते हैं, इतना दिमाग लगता है जब कोई 6 स्टेट के लिए जाता है फॉर 75,000 पैकेज, और 1.5 लाख तो मैंने आपको बताई है, वो तो NRI पेपर सपोर्ट उस सबके लिए है, क्योंकि फिर से हमारे सारे क्लाइंट होते हैं जो अपने NRI दोस्तों से भी मेरी डेड बात ही कराते हैं कि सर आप इसे समझाओ, हमारे समय में तो हम इसे समझा नहीं पा रहे। फिर सर आपके विदेशी दोस्तों से बात करना, समय निकाल के बात करना, उनको समझाना, तो हर चीज़ में मेरे टाइम जा रहा है ना, तो उसी चीज़ की वजह से चार्जेस होते हैं मेरे या किसी भी काउंसलर के, जो काम के नाम के पैसे ले रहा है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा, जो हमारे क्लाइंट बन चुके या जो अगले 10 बनेंगे अगले 3-4 दिन में, और वो लोग जो खुद काउंसलिंग करेंगे या वो लोग जो
बाहर से करवाएंगे, क्यों हम चार्जेस लेते हैं, वो भी पेपर सीधा है आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसा पेपर हर एक के लिए बनाया जाता है, फिर इस पेपर को दोनों को दिया जाता है, मैं और क्लाइंट, और अक्सर हम इस पेपर की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन दी लास्ट फोर ईयर ट्रेंड्स, अनलेस अंटिल बीच में कुछ धमाके होने लग जाएं, और फिर इसको चेंज भी किया जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि वो राउंड तीन में अगर नौबत आ गई तो हम सारे नहीं भर देंगे, हम देखेंगे राउंड टू में कट ऑफ। इसलिए जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं अक्सर उनका कोई डिपॉजिट ख़राब नहीं होता, तो 2-3 लाख रुपये आपके बचाए जाते हैं ना, वो 50-75 हज़ार रुपये लेके उस चीज़ की फ़ीस होती है। ओके, तो आई होप कि आप भी अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाइए। अब देखिए, घबराहट में अगर आप राउंड वन में साधोपुर ले लोगे तो मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ ख़राब कॉलेज है, लेकिन वो इस इंसान की रैंक 7 में था तो आपने सब ऑप्टिमल कॉलेज ले लिया। आपको जॉली ग्रांड गुरु राम राय मिल सकता था, पर आपने साधोपुर ले लिया जल्दबाजी में, फीस आप सेम 1.5 करोड़ खर्च करने वाले हो। वही मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हम अपने क्लाइंट्स को ऑप्टिमल कॉलेज दिलाते हैं। ऑप्टिमल मतलब ये हो गया, राइट। और अगर इस स्ट्रेटजी के बाद किसी को साधोपुर लेना पड़ रहा है, दैट मीन्स बाकी 6 कॉलेज उसको मिले ही नहीं, और उसको नहीं मिले तो मतलब इंडिया में सर किसी को नहीं मिले उस मार्क्स पे। उस बात की हमारी फ़ीस या किसी भी अच्छे काउंसलर की फ़ीस होती है। आशा है कि वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया, लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2-5 दिन में हमारे कोटा ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग कॉलिंग अस, हम सिर्फ अपने क्लाइंट से काम करेंगे, और जो भी आपको मेरे को समय मिलेगा मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा नॉर्मल, तो वो आप सबको हेल्प करते रहेंगे। ओके, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और हमसे संपर्क करने की जो भी डिटेल्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। बाय बाय, टेक केयर। वैसे हमारा नंबर है 9643362320।